बिग बॉस 12 में एंट्री लेते ही घर वालों से लेकर ऑडियंस के फेवरेट बनते जा रहे कंटेस्टेंट दीपक ठाकुर के बारे में कई लोग जानना चाहते हैं। उनकी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी से लेकर उनकी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा किसी को भी नहीं पता है। यह पहली बार है जब दीपक को इतनी लाइमलाइट मिल रही है। दीपक का जन्म 24 मार्च 1994 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुआ था। दीपक के पिता पंकज ठाकुर किसान हैं, वहीं उनकी माँ हाउसवाइफ है। उनका एक भाई है जिसका नाम साकेत ठाकुर है। उनकी दो बहनें भी हैं जिनके नाम ज्योति और दीपिका हैं। सिंगर के रूप में दीपक को पहला ब्रेक अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में मिला। उन्होंने फिल्म के सीक्वल के एक गाने में भी अपनी आवाज दी है। साथ ही अनुराग की फिल्म मुक्केबाज के लिए भी दीपक ने अधूरा में गाना गाया था। दीपक शादी और अन्य कार्यक्रमों में भी गाते हैं। वो YouTube पर भी अपने गाने अपलोड कर लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी ये वीडियो पोस्ट करते हैं। बिग बॉस 12 में एंट्री करते ही दीपक को ऑडियंस ने पसंद करना शुरू कर दिया। उनका मस्त मौला अंदाज उन्हें कंटेस्टेंट्स के बीच अलग पहचान देता है। इस शो में वो अपनी गर्लफ्रेंड और फैन उर्वशी के साथ एंटर हुए हैं। बिग बॉस के घर में आने का हर शख्स का सपना होता है। ये सपना बिहार के दीपक ठाकुर और उनकी जोड़ीदार उर्वशी वानी का भी था। ये दोनों इस सीजन में बतौर जोड़ी आए हैं। दीपक गायक हैं तो वही उर्वशी उनकी शिष्या। दीपक ठाकुर घर में आए सदस्यों में से सबसे ज्यादा मजाकिया और देसी अंदाज में दिखे। वैसे तो बिग बॉस के मंच पर ही सलमान के साथ हुई बातचीत के साथ ही दीपक का जादू दर्शकों पर चल गया। उन्होंने इस बातचीत में बताया कि वो कैसे इंस्टाग्राम पर सलमान को फॉलो करते रहे। उन्होंने बताया कि वो उनके हर इंस्टाग्राम पोस्ट पर कई कई बार मैसेज करते, अपने सॉन्ग्स का लिंक भेजते थे, लेकिन सलमान ने उनका मैसेज कभी देखा ही नहीं। दीपक ने बड़े ही भोलेपन से यहां तक कह डाला कि मैं आपके इंस्टाग्राम पर अपना नंबर भी लिख देता और कहता कि जब आपको टाइम मिले तो फोन कीजिएगा। दीपक की इस बात पर दर्शक जोर जोर से हंस पड़े। उन्होंने बताया कि उनके पिता किसान हैं और वो गांव में गा बजा कर अपना दिन गुजार रहे थे और एक दिन उन्हें अनुराग कश्यप का फोन आया और उनकी जिंदगी सवर गई। वासेपुर फर्स्ट पार्ट और वासेपुर सेकेंड पार्ट में मौका मिला तो लोगों ने उन्हें पहचाना और ठप्पा लगा। इसके बाद उन्हें मुक्केबाज के लिए फोन आया और ऐसे ही सब आगे बढ़ता चला गया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।